बोध गया में नई सुरक्षा को देखते हुए नई यातायात व्यवस्था के विरोध में 3 दिनों तक संपूर्ण बोध गया बंद रखने का ऐलान किया। बंदी के आज पहले दिन बोध गया मंदिर क्षेत्र के सभी होटल और दुकानें बंद दिखी। ज्ञात हो कि बंद के एक दिन पूर्व बिना अनुमति के मशाल जुलूस निकालने पर 177 लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। वहीं डीएम ने कहा कि देसी विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हर तरफ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कुछ लोगों द्वारा बोधगया में आज बंद का आह्वान किया गया था और जिसके सिलसिले में कल भी लोगों से डिस्कशन हुआ था, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी स्टेक होल्डर से, और मैक्सिमम इश्यूज जो थे वो ऑलरेडी उनको रिजॉल्व किया जा चुका है। बट उसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा इस बंद का आह्वान किया गया है। प्रशासन तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है कि विधि व्यवस्था कायम रहे, जो टूरिस्ट हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ मिले, क्योंकि ऑलरेडी एयरपोर्ट से बाकी सब जगह से गाड़ियाँ चल रही हैं, हमारी तरफ से भी एडिशनल बसेस लगी हैं, बट ऑलरेडी ऑटो और टूर्स एंड ट्रेवल्स की गाड़ियाँ चल रही हैं, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और कहीं भी कोई भी किसी भी स्तर से जबरन बंदी ना करा सके। मेरा सभी से अपील होगा कि बोधगया शांति के लिए जाना जाता है और यह शांति एवं सुरक्षा कायम करने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सहयोग करें। बोध गया में आतंकियों की नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए महाबोधि मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आत्मघाती हमले के खुफिया इनपुट के बाद महाबोधि मंदिर क्षेत्र में गाड़ियों के साथ दो पहिया वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजित कुमार की रिपोर्ट।